जेएमएम के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने बीजेपी पर हमला करते हुए कहा कि चंडीगढ़ मेयर चुनाव मामले में सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला आया है। घूसखोर और बैलेट चोर, ये नया नामकरण बीजेपी का है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया है, चंडीगढ़ का चुनाव साधारण चुनाव नहीं था, गठबंधन के खिलाफ पहला चुनाव था। एक छोटे से चुनाव में नरेंद्र मोदी की एंट्री हुई। वहीं उन्होंने कहा कि किसानों को लेकर माहौल जो बना है, खासकर पश्चिम बंगाल में सिख आईपीएस को खालिस्तानी कहा गया, पगड़ी पहनना खालिस्तानी, टोपी पहनना पाकिस्तानी है, कपड़े से पहचान, हम किस ओर जा रहे हैं, और इस तरह के उन्होंने कई आरोप लगाए। मतलब घूसखोर और बैलेट चोर, ये भारतीय जनता पार्टी का नया नामांकन माननीय उच्चतम न्यायालय ने किया। चंडीगढ़ का मेयर चुनाव पूरे देश ने देखा था 30 जनवरी को, किस प्रकार उसका पदाधिकारी वहां पर वार्ड पार्षद नॉमिनेट होता है, प्रेसाइडिंग ऑफिसर बनता है और बैलेट पेपर की चोरी भी करता है। और ये चोरी बदस्तूर एक पायलट प्रोजेक्ट था, क्योंकि आने वाला समय लोकसभा का चुनाव है, ये पायलट प्रोजेक्ट उनका फेल कर गया और अब तय है कि लोकसभा में जो चोरी की प्लान बनाया हुआ था, बार बार ये कहना 370 और 400 पार, अब उसकी कलाई खुल गई। आज जब चुनाव आयोग पटना में प्रेस से बात कर रहे थे और वहां की पॉलिटिकल पार्टियां उनसे बात कर रही थी, तो चुनाव आयोग के पास में इस बात की कोई सटीक जवाब नहीं था कि ईवीएम और उसके जो वीवीपैट के जो पर्चे, उस पर उनका क्या मंतव्य है। वो सुविधा ऐप की बात करते हैं, उन्होंने कहा कि पिछले दिनों हम 3,500 करोड़ रुपए सीज किए, तो माननीय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को मैं ये भी बता दूं कि जो इलेक्शन बॉन्ड से 6,500 करोड़ रुपए आज के दिन में भारतीय जनता पार्टी के अकाउंट